तो फ्रेंड्स, वैसे तो बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की साल 2021 और 22 में रिलीज होने वाली मूवीज की लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें बेल बॉटम, पृथ्वीराज और बच्चन पांडे जैसी सुपर डुपर हिट होने वाली मूवीज के नाम शामिल हैं। ऐसे में सूत्रों से खबर यह मिली है कि अक्षय कुमार की एक और अपकमिंग मूवी की अनाउंसमेंट हो गई है, जिसका नाम है ड्राइविंग लाइसेंस। इस मूवी में अक्षय कुमार के साथ देखने को मिलेंगे इमरान हाजमी। बॉलीवुड में ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि अक्षय कुमार, इमरान हाजमी दोनों एक साथ दिखाई देंगे। वैसे तो ये जोड़ी कमाल की होगी, क्योंकि इमरान हाजमी की एक्टिंग स्टाइल और अक्षय कुमार की एक्टिंग स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। ड्राइविंग लाइसेंस एक मलयालम मूवी है, जो मलयालम इंडस्ट्री की सुपर डुपर हिट मूवी हो चुकी है, और अब इसका हिंदी रीमेक बन रहा है, जिसमें अक्षय कुमार और इमरान हाजमी एक साथ दिखाई देंगे। सूत्रों से ये खबर लगी है कि इस मूवी को धर्मा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने वाले हैं, और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं डायरेक्टर राज मेहता, जिन्होंने गुड न्यूज जैसी सुपर डुपर हिट मूवी बॉलीवुड को दी है। ड्राइविंग लाइसेंस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताएं तो इस मूवी में इमरान हाजमी एक ट्रैफिक हवलदार का किरदार निभा सकते हैं, और अक्षय कुमार एक सुपरस्टार का, जो कि इस मूवी के एक अहम किरदार हैं। इस मूवी में ये दिखाया जाना है कि कैसे एक सुपरस्टार का लाइसेंस खो जाता है, और उसको रिन्यूअल कराने के लिए ट्रैफिक हवलदार, जो कि उसका बहुत बड़ा फैन है, उसकी हेल्प करता है। इसी स्टोरी के इर्द गिर्द इस पूरी मूवी की कहानी घूमेगी। अब देखना यह है कि राज मेहता इस मूवी को किस तरीके से दर्शाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम लैंग्वेज में तो सुपर डुपर हिट हो चुकी है, अब इसका हिंदी वर्जन बॉलीवुड में हिट होती है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बॉलीवुड की अपकमिंग मूवीज़ की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।